गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे। अपन एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपन लूसन की जो इंग्लिश की किताब है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क या आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे कोस्ट गार्ड हो या मान लीजिए राजस्थान के LDC, आपके बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आज का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक अपन ने लिया है टेंस, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। देखिए ऑप्शन इसमें दो ही है, गोज और गोइंग। ऑप्शन आपको दो हो चाहे चार हो, लॉजिक सेम लगेगा। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे का मतलब क्या है? उसका डेली रूटीन। ठीक है, तो जो भी काम अपन अक्सर करते हैं वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में ही शीट के साथ अपन ES वाली फॉर्म लगाते हैं। ही शीट का हेल्पिंग ऑफ कौन होता है? डज। लेकिन डज पॉजिटिव में नहीं आता है, तो जब भी डज पॉजिटिव में नहीं आता, ही शीट के साथ ESS वाली फॉर्म आती है। ठीक है, और दे, यू, वी, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एवरी डे से मुझे क्या पता चला कि उसका डेली रूटीन है और ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोस। तो क्या हो जाएगा? ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, वो हर दिन कॉलेज जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। माय यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। राइट, देखिए लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना। ठीक है, तो उसका जो यंगर ब्रदर था लास्ट मंथ मुंबई गया था। जैसे अपन ने एवरी डे से पकड़ा कि वो प्रेजेंट सिंपल था, डेली रूटीन था, लास्ट मंथ से क्या पकड़ा अपन ने कि वन टाइम एक्शन था। अगर वो वन टाइम एक्शन था तो ब्रदर एक्चुअली उसका रेगुलर तो मुंबई जाता नहीं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा भाई एवरी मंथ, लास्ट मंथ लिखा है, मतलब ये एक्शन एक ही बार हुआ था। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वेंट। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग ऑफ कौन होता है? डिड। लेकिन डिड पॉजिटिव में नहीं आता, अपन क्या बोलते हैं? आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो पॉजिटिव में डेट आता नहीं, जब पॉजिटिव में डेट नहीं आता तो पास सिंपल में अपन सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वेंट कौन है? सेकंड फॉर्म है। तो माय यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया? लास्ट मंथ के कारण। पहले वाला अपन ने कैसे सॉल्व किया था? एवरी डे के कारण। तो लास्ट मंथ से क्या पता चला कौन सा टेंस है? टेंस है पास सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट। ठीक है, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, अब देखिए यहां पे ही हैज सफर्ड और ही हैज बीन सफरिंग। देखिए सिंस लगाए, आपने कहा मेरा भाई जो है लास्ट मान ली, आपने कहा मेरा भाई लास्ट वीक से यहां पर आ रहा है। ठीक है, किसी ने कहा मान लीजिए मेरे भाई को लास्ट नाइट से फीवर से वो परेशान है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? समय लगाए, सिंस लगाए, तो अपन को क्या लगाना? हैज बीन सफरिंग। अब देखो जो सिंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, नो डाउट, लेकिन अपन अगर मान लीजिए एक ही टेंस है, ठीक है, उसमें सिंस लगाए, क्वेश्चन जो उसमें सिंस लगाए, और अपने पास ये दो ऑप्शन है, अगर जो फॉर्म है एक्शन वर्ब है, अगर वो डायनामिक है, मतलब अगर उसकी आईएनजी फॉर्म अपन यूज में ला सकते हैं, तो आंसर हैज बीन होता है। अगर कोई भी मान लीजिए स्टेटिव वर्ब है जिसके अपन आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, ये इस टाइप की वर्ब होती है जो किसी एक्शन को ना दर्शा के किसी स्टेट को दर्शाता है, तो जब भी स्टेटिव वर्ब होती है तो अपन अगर आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, पीछे सिंस और फोर लगा, ये दोनों टेंस ऑप्शन में, तो उसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक मतलब वो ऐसे एक्शन वर्ब जिसकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है, तो सफरिंग की आईएनजी फॉर्म बिल्कुल सही है, तो जब आईएनजी फॉर्म बन सकती है, सिंस और फोर लगा हुआ है, अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुनते हैं। ऐसी कौन सी एक्शन वर्ब से, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जिनके आईएनजी फॉर्म अपन नहीं यूज में ला सकते, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, हियर हो गया, क्लियर एंड नो हो गया, इस टाइप की एक्शन वर्ब से जिनके आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती है। तो पीछे सिंस लगाए, समय लगाए, ठीक है, और लास्ट नाइट से क्या है, उसको फीवर है, तो लास्ट नाइट से ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? हैज बीन सफरिंग। क्लियर है, अगर सिंस दो बार सिंस लगा हुआ है दोनों ऑप्शन में, तो एक्शन वर्ब से आंसर निकलता है, अगर आईएनजी फॉर्म बन सकती है, अपनी प्रायोरिटी हमेशा हैज बीन हैव बीन होगा, ना कि हैज और हैव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ही डैश जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जस्ट नाउ, जो अपन हाल ही में क्या, आपने मैं जस्ट अभी खाना खाया, मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला, मैं जस्ट अभी क्लास फिनिश करी, तो जस्ट नाउ का क्या मतलब होता है? जो हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो जस्ट नाउ को अगर आपको ऑप्शन में मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल, आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट चुनना है। ठीक है, क्योंकि जस्ट नाउ का मतलब हाल ही में हुआ, और हाल ही का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, वो जस्ट अभी यहां पर पहुंचा है। आपने कहा मैं जस्ट अभी क्लास खत्म करी, मैंने कहा मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला हूं, तो हाल ही में जो बिल्कुल लेटेस्ट एक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज अराइव्ड, वो जस्ट अभी यहां पे पहुंचा है। आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स, समय लगा है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फोर क्या दिखाता है? टोटल ड्यूरेशन, कुल समय। सिंस क्या दिखाता है? स्टार्टिंग समय। ठीक है, अपने पास ऑप्शन है हैव बीन और एम,
एम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि समय लगा है। एम कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो आज हो रहा है, अभी हो रहा है, राइट नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, वो होता है इजारम। तो इजारम में अपन सेंसर फोर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसर फोर ड्यूरेशन होती है, ठीक है। सेंसर फोर का यूज अपन इजारम को छोड़ के वर्तमान में बात करें तो हैज बीन, हैव बीन के साथ लगाते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है, और इसके साथ अपन सेंस या फोर का समय बताने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन। आई डैश इन पटना सिंस 1993। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस का जो बच्चों को फंसाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज और में कभी भी अपन भूतकाल का समय नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपन सिंस और फोर लगा सकते हैं। देखिए भूतकाल क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने, एग्जाम्पल किसी ने कहा मैंने जोधपुर में 1993 में काम किया था, तो 1993 भूतकाल है। लेकिन अगर ये कोई कह रहा है कि मैं जोधपुर में 1993 से काम कर चुका हूं, तो वो सेंस है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा आई हैव, एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ने कहा आई हैव लिव्ड इन पटना इन 99, अगर मैं यहाँ पे इन लगा दू, क्लियर है, कोई कह रहा है आई हैव लिव्ड इन पटना इन 1993, तो इन लगते ये हो जाएगा भूतकाल, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। लेकिन जब आप सिंस और फोर लगाते हो, ये भूतकाल नहीं होता, एक ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, क्लियर पॉइंट। तो सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस, मैं पटना में 1993 से रह चुका हूं, तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट सिंपल कभी नहीं आएगा। पास्ट सिंपल कब आता है? जब भूतकाल का समय होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कब लगता है? जब भूतकाल अपन सिंस और फोर लगा के कोई समय को दर्शाते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्योंकि सिंस को अपन और फोर को पास्ट सिंपल में नहीं लगाएंगे। ये जब भी ऑप्शन आता है सिंस और फोर लगा हुआ, आपको प्रेजेंट परफेक्ट चूज करना है। अगर यहाँ पे भूतकाल का समय कोई कह रहा है 2 साल पहले या 1993 में, तो जो भूतकाल हो जाता है तो वो होता है पास्ट सिंपल, ठीक है। इसको कैसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं, आपने कहा मैं पटना में 2 साल के लिए रह चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, आपने कहा मैं पटना में 2 साल पहले रह चुका हूँ, पास्ट सिंपल, ठीक है, क्योंकि आप पटना में 2 साल पहले रहे थे। ये हिंदी गलत है, आप ये कह सकते हो मैं पटना में 2 साल पहले रहा था, आप ये नहीं कह सकते मैं पटना में 2 साल पहले रह चुका हूँ। 2 साल पहले कौन है? भूतकाल है, ठीक है, लेकिन मैं पटना में 2 साल के लिए रह चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर सेंस की बात करें, आपने कहा मैं पटना में 2019 से काम कर चुका हूँ, ये सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने कहा मैं पटना में 2019 में काम कर चुका हूँ, ये है पास्ट सिंपल, कि 2019 भूतकाल है, 2019 से भूतकाल नहीं। सेंस और फोर इंग्लिश में ड्यूरेशन बताता है, भूतकाल नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट। द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत की भी घटना है, पर ये पास्ट की घटना है, और मैंने आपको हाल ही बताया था पास्ट में जब भी कोई एक्शन होता है। देखिए द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत, तो मुगल्स से वो पानीपत की लड़ाई जीते थे, ये पास्ट सिंपल टेंस है, जीते है नहीं, क्योंकि इस समय को बहुत समय हो चुका है। तो अपन क्या कहेंगे, वो जो मुगल्स से वो पानीपत की लड़ाई जीते थे, जीते थे का मतलब होता है पास्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कोई समय नहीं है, पर ये घटना बहुत ज्यादा पुरानी है, तो ये अभी हाल ही की घटना नहीं है, और यहाँ पे कोई समय नहीं है, ये आएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, देखिए जॉर्ज स्टीमसन कौन था, जिसने स्टीम इंजन का, मतलब इनको रेलवे का फादर कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने स्टीम इंजन का उस टाइम इन्वेंट किया था, वही घटना है जिस पहले वाली थी, इन्वेंट किया था पास्ट सिंपल, कर चुके हैं नहीं, ये घटना काफी पुरानी है, उन्होंने इसका इन्वेंट, स्टीम इंजन का इन्वेंट किया था, पास्ट सिंपल टेंस से किया था। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग कौन होता है? डिड, इसलिए वहां पे वन आया, डिड कभी पॉजिटिव में, इसलिए वहां पे वन आया पास्ट सिंपल, और यहाँ पे इन्वेंट आ गया पास्ट सिंपल, क्योंकि डिड इसका हेल्पिंग ऑफ होता है, लेकिन डिड अपन पॉजिटिव में यूज नहीं करते। तो काफी जो पुरानी घटना होती है वो को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज करना है, पास्ट सिंपल में यूज करना है। महात्मा गांधी डैश इन 1948 को महात्मा गांधी की मौत हुई थी, ठीक है, तो 1948 भूतकाल है, इन लगा है 1948 की बात हो रही है, तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, कभी भी भूतकाल के समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भूतकाल के साथ नहीं आ सकता। तो महात्मा गांधी डाइड इन 1948, महात्मा गांधी की मौत हुई थी 1948 में। शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कैसे है? हस्बैंड यहां पे पास्ट सिंपल है, अब टेंस है ये सेंटेंस। अब देखिए पास्ट सिंपल हेल्पिंग होता है डिड, डिड पॉजिटिव आता नहीं, सेकंड फॉर्म है कम, केम कम, ठीक है, तो वो जो है उसके हस्बैंड के आने से पहले मर चुकी थी, ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे हेड आ जाएगा। ऑलराइट, तो शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड। और देखिए पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है,
जब भी आप दो एक्शन की तुलना करते हैं, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में पास्ट सिंपल है, तो उसके हस्बैंड के आने से पहले वो मर चुकी थी, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हेड डाइट आएगा क्योंकि वो पहले मर चुकी थी और जो उसका पति था वो बाद में आया था। राइट, बिफोर लगा है, बिफोर और बाय का मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, वैन का मतलब क्या होता है जब। ये कंजक्शन है जो अपन पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में यूज करते हैं। आफ्टर आता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, बिफोर और बाय या वैन आता है पास्ट सिंपल के साथ। तो जब उसके पति के आने से पहले वो मर चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट, उसका पति बाद में आया था मतलब पास्ट सिंपल। राइट, चलिए मुझे उम्मीद है 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको टेंस का बेसिक होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कोई डाउट है जरूर कमेंट करेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।